वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बनाने वाली हूँ दही वड़ा। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल उड़द दाल। अभी इसको मैं अच्छे से धो के 4 घंटे के लिए भिगा के रख रही हूँ। तो उड़द दाल को मैंने अच्छे से धो दिया है और इसको हम 4 घंटे के लिए भिगा के रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 घंटे हो चुके हैं। देखिए, अपने उड़द दाल भी भीग चुके हैं अच्छे से। अभी हम लोग इसको एक ग्राइंडर जार में निकालेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इसको ग्राइंडर में निकाल लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, फिर इसको हम लोग अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो अभी हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। देखिए, यही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अभी हम लोग इसको, इस पूरे बैटर को एक इसमें निकाल देंगे, एक पतीले में निकाल के। फिर इसको आधे घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे भीगने के लिए। तो मैंने इस पूरे बैटर को एक पतीले में निकाल लिया है। अभी हम लोग इसको अच्छे से फेंटेंगे और इसमें मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच फाइन रवा यानी सूजी, सिर्फ 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैंने मिलाया है। अभी हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को फेंटना है, लगातार 5 से 10 मिनट। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए भीगने के लिए ऐसे रख रही हूँ। तो आधा घंटा हो चुका है, बैटर अच्छे से भीग चुका है। अभी हम इसमें मिलाएंगे नमक। अपने स्वाद अनुसार मिलाइएगा नमक। और इसमें मिलाएंगे हम चुटकी भर सोडा, खाने वाला सोडा। फिर इसको हम लोग अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख लिया है। तेल गरम भी हो चुका है, हम लोग इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो बैटर लेने से पहले मैं थोड़ा सा अपने हाथ में पानी लगा रही हूँ ताकि बैटर हाथ में ना चिपके। अभी हम लोग छोटे छोटे लोइयाँ उठाते जाएंगे इतने से, फिर तेल में फ्राई करते जाएंगे। एकदम मीडियम फ्लेम में अपने को तलना है। तो मीडियम तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको बहुत आराम से उठाना चाहिए, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक अपने को इसको तलना है। तो ये हमारा परफेक्ट कलर है, देखिए। अभी हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है जिसमें मैं आराम से अपनी उंगली डुबा सकूँ, देखिए इतना सा। अब मैं इसमें मिला रही हूँ चुटकी भर हींग। बस अब हम लोग इसको अच्छे से मिलाएंगे, फिर हम लोग एक एक करके ये बड़े इसमें डाल देंगे। बस 1-2 मिनट के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। हम लोग एक एक करके इस वड़े को इसमें बॉल में निकालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। फिर इसमें हम डालेंगे अभी पुदीना चटनी। तो देखिए, स्मूथ एंड सॉफ्ट हमारे दही बल्ले तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।